हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इस तरह की ग्लोइंग विक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग करना। अगर आप भी करना चाहते हैं इस तरह एडिटिंग तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कलर बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। उसके बाद क्रॉप में जाना है और इसे इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट साइज क्रॉप कर लेना है। अब चलना है ऐड फोटो में और यहाँ से एक लाइट के पीएनजी को ऐड करना है। ऐड होने के बाद इसे जूम करके एडजस्ट कर लेना है और इसके ब्लेंड में जाके इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और इसको थोड़ा और जूम करके अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और इसे कर लेना है डन। अब फिर से चलना है ऐड फोटो में और अब अपने करेक्टर के पीएनजी को ऐड करना है। इसका बैकग्राउंड मैंने पहले ही कट कर लिया है। आपको कट करना नहीं आता है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब जाना है एडजस्ट पे और इसके सेचुरेशन को कम कर लेना है और इसे कर लेना है डन। अब चलना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैजिक वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको अपना डेटा ऑन रखना है। इसमें सबसे पहले इफेक्ट को सेलेक्ट करके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और इसके फेड को 80 तक रख लेना है। अब इरेजर पे जाके इन्वर्ट कर लेना है और अब ड्रॉ पे जाके अपने चेहरे और हाथों पे ड्रॉ कर लेना है ताकि सिर्फ अपने चेहरे और हाथों पर ये अप्लाई रहेगा इफेक्ट। ड्रॉ करने के बाद इसे कर लेना है डन। इसके फेड को थोड़ा और कम कर लेना है, इसे कर लेना है डन। अब चलना है इफेक्ट पे और यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे जाना है और कलराइज वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करना है और इसके ह्यू को 205 तक रख लेना है और इसे कर लेना है डन। अब चलना है ड्रॉ टूल पे। ड्रॉ टूल पे आने के बाद कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले कलर को ऐड कर लेना है। अब चलना है ब्रश पे और ब्रश की साइज को थोड़ा कम कर लेना है और अब अपनी आंखों पर ड्रॉ कर लेना है। इसे एकदम अच्छे से ड्रॉ करना है, आंखों से बाहर ना हो कुछ ड्रॉ, आंखों पे एकदम अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद अब चलना है लेयर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से एक एम्प्टी लेयर को ऐड कर लेना है। एम्प्टी लेयर ऐड होने के बाद ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करना है और अब इसकी साइज़ को बढ़ा लेना है और हार्डनेस को बिल्कुल कम कर देना है। ओपेसिटी को भी थोड़ा कम कर लेना है और जूमेबिलिटी को ऑन कर लेना है और अब अपनी आइज पर फिर से ड्रॉ करना है ताकि एक शेडोस बन जाए। इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट ड्रॉ हो गया है उसे इरेजर पे जाके इरेज कर लेना है। नीचे एक्स्ट्रा पार्ट हो गया तो इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। अब चलना है लेयर पे और इसकी ओपेसिटी को कम कर लेना है, 60 के आसपास कर लेना है ओपेसिटी को। और अब ऐड करनी है एक एम्प्टी लेयर। एम्प्टी लेयर ऐड होने के बाद फिर से कलर यही सेलेक्ट रहने देना है और ब्रश वाले आइकन पे जाना है। यहाँ से इसकी हार्डनेस और ओपेसिटी को फुल कर लेना है और साइज़ को कम कर लेना है। और अब जो हमारी टी शर्ट पे नाम है उसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है, नाम के अनुसार परफेक्टली ड्रॉ कर लेना है। इसे एकदम परफेक्टली ड्रॉ करना है जैसा नाम हो वैसा। ड्रॉ होने के बाद अब चलना है लेयर पे और इस लेयर को कर लेना है ओवरले और अब फिर से एक एम्प्टी लेयर ऐड करनी है। एम्प्टी लेयर ऐड होने के बाद अब चलना है शेप वाले ऑप्शन पे और यहाँ से स्टार वाले शेप को सेलेक्ट करना है। इसकी साइज को थोड़ा कम कर लेना है 15 के आसपास और अब इस अपने नाम के चारों तरफ
इस शेप को इस तरीके से ड्रॉ करके एडजस्ट कर लेना है अच्छे से। ड्रॉ होने के बाद लेयर वाले ऑप्शन जाके इसकी ओपेसिटी को कम कर लेना है और यहाँ से इसे कर लेना है डन। ड्रॉ टूल का काम पूरा हो चुका है तो इसे यहाँ से डन कर लेना है। अब ऊपर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चलना है। इफेक्ट पे जाने के बाद एफएक्स पे जाना है और यहाँ से जो फिल्म 2 वाला इफेक्ट है इसे सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद इसके फेड को 70 के आसपास कर लेना है, फेड को और नॉइज़ को भी कम कर लेना है। इसे ऊपर वाले आइकन पे जाके मर्ज कर लेना है और अब एसडीआर वाले इफेक्ट को ऐड करना है और इसके फेड को भी 60 के आसपास कर लेना है। इसे कर लेना है डन। इतना होने के बाद अब आप कुछ एडजस्ट में जाके अपने तरीके से रीटचिंग कर सकते हैं, तो मैं ये रीटचिंग कर लेता हूँ। रीटचिंग होने के बाद हमारी एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।